जय हिंद दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के क्वालीफायर मैच नंबर टेन के बारे में तो दोस्तों जो ओमान और स्कॉटलैंड के बीच में खेला जाएगा तो आपको पता ही होगा कि जो छोटे देश हैं वो आई आई वर्ल्ड कप मैंस में खेलने के लिए क्वालीफायर मैच खेल रहे हैं जो क्वालीफायर में जीतेंगे वो वर्ल्ड कप को खेलेंगे दोस्तों तो उसमें उनका नाम दर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर मैं दोस्तों आज इस वीडियो में पाँच टीम की कॉम्बिनेशन आपको इसी मैच की देने वाला हूँ जिसके मदद से आप फैंटेसी ऐपों में विनिंग कर सकते हैं हेड टू हेड एस और जीएल में तो जीतना चाहते हैं दोस्तों तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे आपको जो मेरी जो पांच टीम रहेगी उसमें से एक टीम आपको हेड टू हेड की मिल जाएगी एक टीम आपको एस की और तीन टीम आपको जीएल की मिलेगी जो हेड टू हेड वाली टीम है उसको मैं अभी बनाकर लाइव बताऊंगा उसके साथ मैं प्लेयर्स को बताऊंगा दोस्तों कि कौन से प्लेयर किस लीग के लिए बेस्ट हैं किनको को अपनी टीम में आपको रखना चाहिए एस में जी में और हेड टू हेड में सारा कुछ डिस्कस करके आपको बताऊँगा उसके बाद दोस्तों आप तगड़ी टीम बना पाएंगे और दोस्तों चार टीम में कॉम्बिनेशन पहले से बना रखा हूँ वो भी आपको दिखा दूँगा जिससे आप विनिंग कर सकते हैं तो दोस्तों विन करना चाहते हैं तभी आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे और सभी डिटेल एनालिसिस को अच्छे से देखेंगे और सभी टीमों को अच्छे से देखेंगे और विन कर जाएंगे ये साढ़े सात बजे वाली मैच के तो दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूँ वीडियो में आपको दिखाता हूँ टीम उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आप टी से लेकर टी से लेकर सारे जितने भी लीग होते हैं सारे में विन कर सकते हैं हमारी टीम परफेक्ट विनिंग करवाती है वो ध्यान में रखेंगे तो आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं हमारी टीम आपको हंड्रेड विनिंग देती है तो दोस्तों हमारे चैनल से भी जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुपों का लिंक होगा दोस्तों, तो तो दोस्तों, दोस्तों जगह नहीं बनती है, तो मैं एम क्रॉस के साथ जा रहा हूँ बैटिंग के सक्शन मैंने चार रखे हैं आप तीन के साथ भी चार ऑलराउंडर रख सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं हालांकि चेंजेस कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं दोस्तों यहां पे जी मुंसे के साथ जा रहा हूं जे सिंह के साथ जा रहा हूं एम सी एम के साथ जा रहा हूं दोस्तों और यहां पे के प्रजापति के साथ जा रहा हूं आप दोस्तों खान जी एस गॉड और यहां पे आपके के क्वार्टर जो हैं उनको आप ग्रैंड लीग में रखेंगे और एसएल में भी ट्राई कर सकते हैं बट ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट प्लेयर हैं क्योंकि दोस्तों जल्दी चलते नहीं है चलेंगे तो जिस दिन उस दिन आपको मैच जिता सकते हैं बट ये जल्दी चलते नहीं तो उनको ग्रैंड लीग में ट्राई करें एस एल में उनको ना ही ट्राई करें दोस्तों आप प्रजापति को हटा कर यहाँ पे चार ऑलराउंडर रख सकते हैं मैंने तीन ऑलराउंडर और रखा है यहाँ पे आर ब्रिंगटन को रखा है मैंने जय ए मकसूद को रखा है और सी ग्रेवेज को रखा है ए इलियास को भी आप रख सकते हैं हालांकि दोस्तों आप टेंशन ना लें ए इलियास का जगह प्रजापति भी काम कर सकते हैं बट आप दोस्तों इलियास के साथ जा सकते हो बेटर ऑप्शन है आपको वो बॉलिंग भी करते हैं इसलिए मैं और बैलिंग के सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर जे डेवी है जिनको मैंने रखा है एम वार्ड को आपको दोस्तों ग्रैंड लीग में रखना है और यहाँ पर मैंने बिलाल खान को रखा है इनको आप सारे लीग में रख सकते हैं एम वार्ड को ग्रैंड में रखना है एवियांस को भी ग्रैंड लीग में रखना है और दोस्तों बी व्हील को भी आप हेड टू हेड और एस में रख सकते हैं हालाँकि दोस्तों मैं खुले मन खुले मुल्ला के साथ जा रहा हूँ आप चाहें तो दोस्तों चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ पर नदीम को भी आपको ग्रांड लीग में और फवाद अहमद को आप एस में भी और ग्रांड लीग में भी रख सकते हैं तो दोस्तों टीम प्रीव्यू करें तो टीम प्रिव्यू आपको आपको कुछ ऐसे दिखेगी मैंने इस टीम को स्कॉटलैंड फेवर करते हुए टीम बनाया है हालांकि दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि इस मैच को स्कॉटलैंड ही जीतेगी क्योंकि दोस्तों स्कॉटलैंड बहुत ही तगड़ी टीम है 80 परसेंट चांसेस है इस मैच को जीतने की तो स्कॉटलैंड इस मैच को जीत सकती है और दोस्तों इसलिए मैंने फेवर करके स्कॉटलैंड को बनाया है अधिकतर टीम आप स्कॉटलैंड को फेवर करके ही बनाएंगे एक टीम आप सिर्फ ओमान को फेवर करके बना देंगे तो आपको हो सकता है कि ओमान अगर अच्छा कर जाए तो आपको फायदा हो जाए तो ये टीम को आपको हेड टू हेड में लगा देनी है दोस्तों अब चलते हैं आपको मैं जो आपको और टीम से बचे हैं उनको दिखा देता हूं तो ये मेरी एसएल की टीम है जहां पे मैंने कप्तान सी ग्रिवेस को बनाया है और वाइस कप्तान जे सिंह को बनाया है अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो वाइस कप्तान आप दोस्तों जे डेविल को भी बना सकते हैं और एम क्रॉस को भी बना सकते हैं जी मुझसे भी आपके ऑप्शन में है उनको भी बना सकते हैं हालाँकि सेम टीम से भी जा सकते हैं मैंने चार ऑलराउंडर रखे हैं ए लियास को भी मैंने रखा है इस टीम में तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस टीम को आपको एस में लगानी है और तीन और चार वाले जो लीग होते हैं वहाँ भी इस टीम को लगाएंगे आपको फ़ायदा हो जाएगा तो दोस्तों इस टीम को ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं आप अब चलते हैं दोस्तों प्योर ग्रैंड लीग के टीम की तरफ तो दोस्तों ये ग्रैंड लीग की टीम है जहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेवर किया है ओमान की, की।, की टीम के ओमान की टीम की तरफ से मैंने बोलर्स ज़्यादा रख दिए हैं वो ध्यान देंगे दोस्तों अगर ओमान के बॉलर्स थोड़ा सा अच्छा कर जाते हैं तो ये टीम आपको विनिंग करवा सकती है यहाँ ध्यान दें दोस्तों मैंने कप्तान जे डेविल को बनाया जे डेवी को बनाया है और बिलाल खान को मैंने वाइस कप्तान बनाया है अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एक खान को भी ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के टीम में ये भी ऑप्शन में हैं दोस्तों और जी ग्रेवी ब्रिंगटन और मकसूद तो है ही ऑप्शन में तो वो ध्यान में रखेंगे अब चलते हैं दोस्तों आपको चौथी टीम दिखाते हैं तो दोस्तों ये मेरी चौथी टीम है फिर से मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड को फेवर किया है मैंने सारे ऑलराउंडर बैट्समैन रखे हैं स्कॉटलैंड के दो बॉलर भी रखे हैं ये भी दोनों बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये टीम है इस टीम में मैंने वाइस कप्तान मूसे को बनाया है और कप्तान दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने खलीम उल्ला को बनाया है ये बहुत ही रिस्की ऑप्शन मैंने चुना है आप चाहें तो दोस्तों बी विले के साथ भी जा सकते हैं आपको फ़ायदा दिख जाएगा एक बात ध्यान देंगे दोस्तों इस मैच में आप बॉलर्स पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि की बोलर्स विकेट्स लेने वाले हैं वो ध्यान में रखेंगे अब चलते दोस्तों आखिरी टीम की तरफ तो, तो मैं मेरी आखिरी टीम है जहां पे मैंने एक ज्यादा बैट्समैन मतलब एक ज्यादा रख ली है बैट्समैन मैंने यहाँ पे आपके प्रजापति को इस टीम में जो दोस्तों जी एल जिता के दे सकते हैं अगर गलती से चले गए तो ये टीम आपको मैंने इल्यास को वाइस कप्तान और कप्तान देख रहे दोस्तों बी वी को रखा है आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं एम वार्ड को भी ट्राई कर सकते हैं वो भी वाइस कप्तान के ऑप्शन है दोस्तों तो कोई भी प्लेयर चल सकते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग में वो ध्यान रखेंगे और इस मैच में जी जान लगाएंगे क्योंकि दोस्तों को एलिमिनेटर मैच है यहाँ पर दोस्तों जो जीतेगी वही वर्ल्ड कप में खेलेगी वो ध्यान में रखेंगे दोस्तों अब चलते हैं जो मेरी पाँचों टीम है उसको आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे अच्छे देखिएगा जहाँ मैंने बोला वहाँ लगाइएगा आपको विनिंग परफेक्ट हो जाएगी इन पाँचों टीमों में कोई चेंजेस होगी तो मैं अपडेट टेलीग्राम पर कर दूंगा उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे कोई प्लेयर नहीं खेलते हैं तो उसको भी अपडेट करके मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा वीडियो पसंद आएगी तो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और हमेशा जीतना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद